भाई साहब ये आपने हलट टर्न दिया। बाजी आप यहाँ से कह रही थी वहाँ पे बड़ा रश होता है, इसलिए मैं गाड़ी वहाँ से नहीं ले गया। लेकिन आप टेंशन नहीं लें, मैं आपको आपकी जगह पर ही पहुँचा दूंगा। आप डरो नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि जो लड़कियाँ घर से भाग के निकलती हैं ना सड़कों पर ऐसी आवारा की तरह, तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपका घर है या नहीं, या आप बेघर हैं। नहीं तो मैं आपको ऐसी जगह ले जाता जहाँ घर नहीं लेकिन पनाहगाह है। ये आ गया मेरा घर, बस रोकते हैं हम। ये घर है आपका? ये रिक्शे सालार यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? सारा कहाँ है? सारा उसका वेट कर रहा हूँ। कहाँ, क्या सैलून तो नहीं चली गई? आज वलीमा है, तैयार नहीं होना तुम दोनों ने? जी वही इंतजार कर रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग गए थे बाहर थोड़ी देर घूमने के लिए, उसकी एक फ्रेंड मिल गई तो वो उसी के साथ रुक गई, बस अभी आती होगी। वही रुक गई और तुमने उसे अकेला छोड़ दिया? तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था ना, ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? मामा अब एकदम से जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब, तुम उसके शौहर हो, अभी से उस पर सख्ती नहीं करोगे तो आगे जाके तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। पर तुम खुद देखो ना, अभी शादी को दूसरा दिन हुआ है, वो अपने हाथ में ब्रेसलेट पहन के घूम रही है अपने एक्स मंगेतर का, ये कोई तरीका है? ठीक है मामा, मैं बात करूंगा उससे आएगी। ठीक है, मुझे जरा मॉल तक जाना है, मैं अभी होके आती हूँ। ठीक है, सॉरी आंटी, मुझे आते हुए देर लग गई। सारा तुम कहाँ चली गई थी, क्या इतना जरूरी था आज दोस्त से मिलना? किसने ड्रॉप किया है तुम्हें, घर कैसे आई हो? रिक्शे में क्यों आई हो तुम? ड्राइवर को कॉल करती ना? मेरे पास घर में किसी का नंबर नहीं है। चलो माना कि ड्राइवर का नंबर नहीं है, तो फिर सालार को कॉल करती, तुम सालार का भी नंबर नहीं है क्या? मेरे पास उनका भी नंबर नहीं है। सालार? मामा, सो क्या? अपना फोन दो मुझे। तुम्हारे मोबाइल से सबके नंबर डिलीट कर रहा हूँ और अपना नंबर सेव कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जब मुश्किल में होगी तो मुझे याद करोगे। जिंदगी की हर तकलीफ में आपको याद नहीं करूंगी तो किसको करूंगी? ये कैसी लड़की है, एक तो गलत ही करती है, ऊपर से शर्मिंदा भी नहीं है। सालार तुम समझा दो इसे। समझा लूंगा। आप चाहें देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।